हमीरपुर जिला के नादौन ब्लॉक के तहत खोरड़ गांव से संबंधित पूर्व सैनिक परिवारों सहित डीसी के पास पहुंचे और एक गांव तक सड़क न बन पाने का रोष जताते हुए अपने मेडल उन्हें वापस करने लगे, लेकिन डीसी ने इन्हें लेने से मना कर दिया और मौके पर ही एसडीएम को निर्देश दिए कि वह गांव का दौरा कर वहां सड़क सुविधा जोड़ने को लेकर पंचायत को कड़े निर्देश दे ताकि ग्रामीणों को अति शीघ्र सस्ता मिल सके। एम्बुलेंस रोड चाहिए, हम वृद्ध हो गए हैं, अब हॉस्पिटल जाना तो मुश्किल होती है, बच्चे बाहर हैं, तो फिर मैं मेडल उठाने आई हूँ, या तो मेडल रख लें या तो हमें सड़क बनवा दें। ठीक है, डीसी साहब ने बोला कि परसों आ रहे हैं, इसलिए तो वो खुद लोगों का कहना है कि बीते डेढ़ साल में प्रशासन के दरबार कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके गांव के लिए रोड का निर्माण ही नहीं किया गया है, आज तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। एम्बुलेंस रोड रास्ते का निर्माण करने की उनकी मांग है ताकि बुजुर्ग अवस्था में यदि कोई ग्रामीण रात को बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस सुविधा उनके गाँव तक तो पहुँच सके। डीसी हेमराज बैरवा का कहना है कि खोरड़ गांव के कुछ ग्रामीण उनके पास आए थे और सड़क सुविधा बनाने की मांग उठाई है। जो व्यक्ति वहां विरोध पैदा कर रहा है उस समस्या को हल करने के निर्देश दे दिए हैं। आपके सामने इनफैक्ट आप भी यहां पर मौजूद थे और आपने भी देखा कि वो जो सड़क है करीब 700-800 मीटर का स्ट्रेच होगा और उस स्ट्रेच के लिए पहले भी पंचायत और BDO, SDM सब ने वहाँ पर हिदायत दी थी कि भाई जो मौके पर कोई व्यक्ति उस काम को रोकने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसको दूर करके सड़क बनाई जाए। तो गांव के निवासी इसी शिकायत को लेकर दोबारा मेरे पास आज आए हैं और उनकी परेशानी का जो विषय है कि रोड ना बनना, उस बारे में उन्होंने डिटेल से हमसे बात भी की है और हमने जो मौके की स्थिति के अनुसार अभी SDM नादौन को निर्देश दिए हैं कि उस रोड को विदिन 2 डेज जाकर स्पॉट पर काम उसका शुरू करवाएं ताकि ग्रामीण वासियों को भी लगे कि भाई मौके पर काम शुरू हो चुका है। एक सिर्फ ये कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की ही बात मैं बोलूँगा, आप जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया, कानूनी पेचीदगी भी जमीन के मामलों से जुड़ी रहती हैं और जब तक लोगों को उस सिस्टम में कॉन्फिडेंस रहता तब तक ठीक है, जहां लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो फिर लोगों को थोड़ा सा अनइजीनेस या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसी के चलते शायद गांव के लोग यहां पर आए और जब हमने उनको आश्वासन दिया है तो वो अभी इस चीज़ के साथ गए हैं कि उनका रोड बन जाएगा और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि उस रोड को हम जल्द से जल्द पूरा भी करें।